नोएडा के बीच यमुना नदी पर निर्माणाधीन पुल को लेकर भाजपा विधायक राजेश नागर ने पीडब्ल्यूडी अधिकारियों एवं पुल निर्माण कंपनी के मैनेजर के साथ मंझावली में यमुना पुल के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। इस मौके पर पहुंचे विधायक ने अधिकारियों से निर्माण कार्यों में हुई लेट लतीफी का जवाब मांगा। इस पर अधिकारियों ने अंतिम चार महीने में काम पूरा करने की बात कही। अधिकारियों ने बताया कि जून जुलाई में काम पूर्ण कर दिया जाएगा। ये हमारा जून तक की डेडलाइन है, बाकी हमारी कोशिश है कि उसको मई तक ही हम पूरा कर लें। डेडलाइन तो कई बार दे चुके हैं, डेडलाइन कई बार है, बहुत सारे फैक्टर हैं, बारिशों का कुछ है, उससे पहले कोरोना का था, कुछ से पहले हमने जो कास्टिंग की थी वो सेगमेंट हमारे डिसमेंटल हुए हैं, तो नई कास्टिंग में थोड़ा टाइम लगा है, बट अब हमारी कास्टिंग कम्प्लीट हो चुकी है, सिर्फ हमारा लॉन्च करने का काम पेंडिंग है, वो हमारा चल रहा है। निर्धारित समय से कितना समय अधिक जो है इस पुल को हो गया है? इसको 2 साल से ज़्यादा हो चुका है। तो क्या इस कंपनी पर जो कुछ जुर्माना वगैरह भी लगाया गया है? हाँ, कंपनी पर एज पर एग्रीमेंट जो डिले का है 10% ऑफ जो अमाउंट है उसका वो बनता है, उस पर हम हर एक उस पर उसका जुर्माना लगा रहे हैं। अब लास्ट क्या डेडलाइन दी गई? लास्ट जून, 15 जून, मैक्सिमम 15 जून। अगर जून तक नहीं हो पाता है तो? नहीं, जून तक कराएंगे, क्योंकि अब डिले की तो कोई रीजन बचा नहीं है, कास्टिंग हमारी कंप्लीट है, सिर्फ लॉन्च करना है, लॉन्च हमारा तैयार है, क्रेन और गैंट्री दोनों है। यदि फिर भी किसी कारणवश जो है इसका निर्माण जो है जून तक पूरा नहीं हो पाता है तो उसके बाद जो है क्या कदम उठाया जाएगा? अवधि में हमारा काम पूरा होगा, हमें तो आज की डेट में पूरा विश्वास है कि काम होगा ही पूरा, इस बार पूरा विश्वास है, क्योंकि इससे पहले भी लगभग दर्जनों जो है डेडलाइंस जो है दी जा चुकी हैं। जी, उसके पहले कई बार आई हैं, बट उसकी कई तरह की, जैसे मैंने बताया, बहुत सारी वो रही हैं इश्यू, दिक्कतें रही हैं, बट अब वो सारी दिक्कतें दूर हो चुकी हैं, काम चल रहा है हमारा। पुल निरीक्षण के मौके पर विधायक ने अधिकारियों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि विकास कार्यों में किसी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी, वो हर महीने यहाँ कर कार्य की प्रोग्रेस रिपोर्ट चेक करेंगे। आगे विधायक ने क्या कहा आप भी सुनिए। हमारे अधिकारी भी आए हुए हैं और इंजीनियर्स, कॉन्ट्रैक्टर के इंजीनियर्स भी आए हुए हैं, और इसमें जो दिक्कत आ रही थी कि इस बार बारिश काफ़ी अक्टूबर तक रही और उसके बाद जनवरी फरवरी में भी बारिश होती रही, उस वजह से थोड़ा काम ये डिले हो गया। अब अधिकारियों ने और इंजीनियर्स ने डेडलाइन दी है कि भी जून तक हम इसको कंप्लीट कर देंगे। लेकिन विधायक जी, ऐसी डेडलाइन तो ये पहले से देते आए हैं, लेकिन लापरवाही कहीं ना कहीं इनकी दिखी है काम, इसलिए लापरवाही की वजह से इनके ऊपर पेनल्टीज भी डाली गई हैं 5.5 करोड़ की, और हम ये इनसे कमिटमेंट अब ली गई है कि भाई जून तक इसको कंप्लीट कर देंगे। तो क्या माना जाए ये आखिरी डेडलाइन है? बिल्कुल आखिरी डेडलाइन है, मैंने अधिकारियों को भी और इंजीनियर्स जो है कॉन्ट्रैक्टर के बोल दिया है कि भाई इसके आगे अगर कोई बात होती है तो इनको ब्लैकलिस्ट कर दिया। लेकिन 7 साल में पुल तैयार नहीं हुआ, क्या लगता है इतनी आप कैसे कह सकते हैं? 7 साल टेंडर 2018 में हुआ था और 2018 से अब तक 4 साल ही हुए, उससे पहले प्रोसेसिंग चल रही थी पूरा कि भाई लैंड लेना, एक्वायर करना, सरकार भी वहाँ दूसरी थी, यूपी की तरफ हरियाणा में दूसरी थी, तो हमारे मंत्री जी ने सारा इसको टाई अप करके और दोनों सरकारों से बात करके इसका जो टाइम लगा उसमें उस वजह से थोड़ा टाइम लगा। लेकिन क्या ये केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर का जैसे ड्रीम प्रोजेक्ट बताते थे वो खुद, अब ये प्रोजेक्ट अपने हाथ में आपने ले लिया बतौर विधायक? नहीं, मॉनिटरिंग वही कर रहे हैं, मैं तो अब एक अपना यहाँ की मेरी विधानसभा जो लगती है उस वजह से उस नाते से मैं आया हूँ, और मंत्री जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है और उनका ड्रीम प्रोजेक्ट रहेगा, और ये पहले भी इसका 89 में उद्घाटन हुआ, शिलान्यास हुआ, पर उसके बाद भी नहीं बन पाया और मंत्री जी ने इसका सारा शेयर मंत्री जी को जाता है। लेकिन जिस तरह से आप गंभीर दिखे हैं इस पुल को लेकर, खासतौर से चूंकि आपकी विधानसभा है और यहाँ से काफी लोगों को फायदा भी होगा, विधानसभा में आपको मसला उठाना पड़ा, ये मुद्दा नहीं, केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर जी भी जब भी हमारी कोई मीटिंग होती है अधिकारियों से बात करते हैं और उनको भी इसका मतलब एक उनको भी इसका इंटरेस्ट है कि ये जल्दी से जल्दी बने, और अधिकारियों से हमेशा जो भी मीटिंग होती है वो पूछते हैं कि भी इसकी डेडलाइन कब तक है और कब तक इसको कंप्लीट कर दें। गौरतलब है कि लगभग 7 साल पहले फरीदाबाद से सांसद एवं केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर की मौजूदगी में सड़क एवं
परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इसका शिलान्यास किया था, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते ये प्रोजेक्ट समय पर पूरा नहीं हो सका। प्रोजेक्ट में देरी के चलते पुल निर्माण कंपनी को 5.5 करोड़ का जुर्माना भी लगाया गया था, लेकिन अब कंपनी ने अगले 4 महीने में इस पुल को हर हाल में पूरा करने का आश्वासन दिया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।